आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल और लेकर हाजिर हूं 28 मई का न्यूज पॉडकास्ट दिनभर। सबसे पहले हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा, मजदूरों को मुफ्त घर पहुंचाओ। एक भी पैसा बस का या ट्रेन का कोई सरकार मजदूरों से नहीं ले सकती, माइग्रेंट से नहीं ले सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है। श्रीनगर में पुलवामा जैसे हमले की साजिश नाकाम, कार बम बरामद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी तब मिली जब एक गाड़ी में पुलवामा के इलाके में सुरक्षा बलों को बहुत सारा एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला। चीन और भारत सीमा पर तनाव बरकरार। लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने खड़े हैं। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे कि क्या दिल्ली की ओर कूच करेगा टिड्डी दल, लेकिन सबसे पहले सुनिए मुख्य समाचार। नमस्कार, मुख्य समाचारों के साथ मैं माधुरी। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रवासी मजदूरों के मसले पर सुनवाई हुई। अदालत ने निर्देश दिया है कि किसी भी प्रवासी मजदूर से घर जाने के लिए किराया नहीं वसूला जाए, सारा खर्चा राज्य वहन करेंगे। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि रास्ते में मजदूरों के खाने पीने और आश्रय का इंतजाम राज्य ठीक से करें। कोरोना के मामले में भारत एशिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम की। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से पढ़ाई की सुविधा दी जाएगी। लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, इसको लेकर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रमुख स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कामगारों और श्रमिकों को तेजी से रोजगार देने की योजना बनाई है। नेपाल की कांग्रेस ने नक्शे में होने वाले संवैधानिक संशोधन पर फैसला लेने के लिए परसों केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई है। और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका जताई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ में गर्म हवाओं से राहत मिलने की संभावना है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। भारत में अब कोरोना वायरस संक्रमण मामलों की तादाद 1,60,000 के करीब पहुंच रही है। वहीं देश भर में 23 लाख के करीब लोग क्वारंटीन में हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज मजदूरों की हालत पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से कहा है कि अपने घरों की तरफ लौट रहे प्रवासी मजदूरों को बिल्कुल मुफ्त घर तक पहुंचाया जाए और उनके रहने खाने का इंतजाम किया जाए। जस्टिस अशोक भूषण, एसके कॉल और एमआर शाह ने कहा है कि प्रवासियों के पंजीकरण, यातायात और रहने की व्यवस्था की प्रक्रिया में कई कमियां नजर आई हैं। अदालत में और क्या कुछ हुआ बता रही हैं हमारी सहयोगी अनीशा माथुर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में करीब 2.5 घंटा ये सुनवाई चली है और जिसमें सबसे पहले कोर्ट ने यही बोला है कि हम मान रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन जो हमें दिख रहा है कि ढंग से पूरा काम नहीं हो रहा, क्योंकि बार बार खबरें आ रही हैं कि प्रवासी मजदूरों के साथ किस तरह की मिजरी झेलनी पड़ रही है। तो सरकार से सबसे पहले तो ये कहा गया है कि आप सारे पूरा ब्यौरा दीजिए कि कितने लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन किस तरह से हो रही है, उनके लिए ट्रांसपोर्ट आपने किस तरह से रखा है, उनको खाने पीने रहने की क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। दूसरी चीज कोर्ट ने ये भी साफ कर दी है कि राज्य सरकारें जो हैं, जो प्रवासी मजदूरों को कह रही है कि आप टिकट ले लीजिए, फिर हम आपको रिइंबर्स कर देंगे, पैसा वापस कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। एक भी पैसा बस का या ट्रेन का कोई सरकार मजदूरों से नहीं ले सकती, ये माइग्रेंट से नहीं ले सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। और ये भी कहा है कि हर तरह के खाने पीने रहने की फैसिलिटी जिस राज्य में इस वक्त है उनको, उस राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है प्रवासी मजदूरों को देने की। तीसरी बात ये भी कही गई है कि जो लोग ट्रेनों में, बसों में सफर कर रहे हैं उनको भी खाना पीना, दवाई पूरी मुहैया कराई जानी चाहिए, उसका खर्चा भी राज्य की सरकारें ही देंगी, इन मजदूरों से कुछ नहीं लिया जा सकता। और इसी बात पर आज पूरी 2.5 घंटे की सुनवाई चली है, क्योंकि
केंद्र और राज्य सरकारों ने ये कहा है कि देखिए हम तो पूरी जिम्मेदारी से के साथ काम कर रहे हैं। 91 लाख लोग इस वक्त एक तारीख से 27 तारीख तक मई के महीने में 91 लाख लोगों को अलग अलग शहरों से अलग अलग राज्यों से अपने घर तक भेजा गया है। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम देख रहे हैं कि सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। दूसरी अहम बात यह भी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सभी यही कह रही हैं कि देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोग इतने हैं। तो इसीलिए सरकार से ये भी पूछा गया है कि आपको क्या ये पता है कि लोग हैं कितने, कितने लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, कितने लोग अटके हुए हैं, कितने लोगों के लिए फैसिलिटी है और कितने दिन लगेंगे इतने लोगों को वापस पहुंचाने में। क्योंकि अगर 27 दिन में आपने क्या 91 लाख लोगों को वापस भेजा है तो बाकी कितने लोग बचे हुए हैं, उनको भेजने में कितने दिन लगेंगे। एक चीज कोर्ट ने ये भी कही है कि हमें आप ये मत बताइए कि हमने कितना खर्चा किया, आप हमें ये बताइए कि लोग कितने हैं जो इफेक्ट हुए हैं। तो सरकार जो अब तक ये बताती रही कि हमने इतने करोड़ रुपए खर्च किए, इतने करोड़ रुपए खर्च इस चीज पर किए, उस करोड़ों रुपए के खर्चे से कितने लोगों की जिंदगी में मदद मिली है वो अब सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। शुक्रिया निशा। तो प्रवासी मजदूरों की कई तस्वीरों ने हमें सोचने पर मजबूर किया है। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर माँ की लाश के साथ खेलते बच्चे के वीडियो से देश स्तब्ध है। वैसे तो हर तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है, मगर हम प्रवासियों की तस्वीरों की बात करें तो एक एक तस्वीर हजार हजार दर्द बयां करती है। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर और मीडिया रिपोर्ट्स में। प्रवासियों की ऐसी ही कुछ तस्वीरों की कहानी बयां कर रही हैं हमारी सहयोगी माधुरी उपाध्याय। दुख जो एकदम अनपढ़ है, अपना दस्तखत तक नहीं कर पाता, वो सबको बता नहीं सकता कि मैं हूँ, जिसके पास रहता है वहीं रहता है, दूसरा कोई उसकी था नहीं पा सकता। लेकिन दुख जब तस्वीर बन जाता है तो वो देखने वाले को भी अंदर तक झकझोर कर रख देता है। ऐसी ही न जाने कितनी तस्वीरें इन दिनों हमारे सामने हैं, उन लोगों की तस्वीरें जो घर लौट रहे हैं। घर की ओर लौटते आदमी की तस्वीरें तो खुशनुमा होनी चाहिए थी। रेल की सीटी उन्हें बुला रही है, बस पर सवार वो घर को लौटेंगे, घर का नाम सुनकर मुस्कान आती है। पर यहाँ तो जितने चित्र हैं सब उदास चित्र हैं, जितने रंग हैं सब उदास रंग हैं। किसी के पांव, किसी के कांधे, किसी की आंखें, कोई माँ है, कोई पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पैदल चलते बच्चे, पिता के कंधे पर बैठे बच्चे, माँ के स्तन से लगे बच्चे, हर तस्वीर कलेजे को मुंह तक ले आती है। किसी भी दर्द को दूसरे दर्द से तुलना करना कितना मुश्किल है। लेकिन तब भी कुछ फोटो ऐसे थे जो शायद जिंदगी की एक्सरे रिपोर्ट से कभी मिटेंगे नहीं। वो एक वीडियो जो रेलवे स्टेशन का है, जिसमें 2.5 बरस का बच्चा शायद सोच रहा है कि माँ प्लेटफॉर्म पर लेटी हुई है, उसके साथ खेल खेल रही है, चादर हटाकर कहेगी ता, लेकिन माँ नहीं जगी तो उसने चादर हटा दी। माँ तो मर चुकी है, ये उसको कैसे मालूम होगा? किसके जहन में दर्ज नहीं होगा ये लम्हा। एक और तस्वीर जिसमें एक पिता फूट फूट कर रो पड़ा है, फोन पर बात कर रहा है। पिता जो मजबूत है, पिता जो सब कुछ कर सकता है, वो अपने नन्हे बच्चे के लिए दूध न ला सका, बच्चा मर गया। जीवन के हजारों हजार आंसुओं से बनी तस्वीर है ये। पूरे परिवार को बैलगाड़ी पर ले जाता आदमी, एक ही बैल था तो बैलगाड़ी कैसे चलती, तो उसमें खुद ही जुट गया, एक और बैल, एक और आदमी। ये फिल्म मदर इंडिया की कहानी नहीं है जिसमें बैलों की जगह खुद हल जोतते हैं आदमी। ये असली मदर इंडिया की कहानी है जहां एक माँ ट्रॉली बैग पर अपने बच्चे को घसीट कर ले जाती है। थक कर पस्त हुए बच्चे को नींद आ गई तो माँ ने उसे ट्रॉली पर लटका दिया। आदमी सामान है या सामान आदमी है, इस चित्र को भुला पाना मुश्किल है। एक तस्वीर औरत के छाले पड़े तलवे की है। ये तस्वीर उसके जीवन की तस्वीर है। कितने घाव पड़ गए हैं जिस पर, कितने किलोमीटर गहरे घाव हैं जाने, किस किस का जिक्र किया जाए। अपार दुख है। इस दुख पर देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब तलब किया है, मगर वो एक अलग कहानी है। यहाँ तो बस चित्रों की बात है,
माधुरी, आज तक रेडियो। शुक्रिया माधुरी। इसी बीच विपक्ष प्रवासी मजदूरों और गरीबों की अनदेखी को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस पार्टी स्पीक अप इंडिया अभियान चला रही है, जिसके तहत लोगों से खुलकर बोलने के लिए कहा गया है। पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बयान में कहा, हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपये प्रतिमा सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपये फौरन दें। हालांकि बीजेपी लगातार कांग्रेस के आरोपों को खारिज करती रही है और कहती रही है कि महामारी के इस दौर में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि सरकार हालात बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। अधिकारियों के मुताबिक विस्फोटक लदी कार से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश समय रहते नाकाम कर दी गई। आज सुबह एक नियंत्रित विस्फोट करके कार बम को निष्क्रिय किया गया, लेकिन संदिग्ध हमलावर फरार होने में कामयाब रहा। माना जा रहा है कि आतंकी पुलवामा जैसे हमले करने की तैयारी में था। अधिक जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से आज तक संवाददाता सुजाउल हक। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी तब मिली जब एक गाड़ी में पुलवामा के इलाके में सुरक्षा बलों को बहुत सारा एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट्स आ रहे थे कि एक हमले की तैयारी की जा रही है और जिसमें कार बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए जगह जगह पे नाके लगाए गए थे और कल रात को इसी में से एक नाके के पास ये गाड़ी मिल गई। बताया जा रहा है कि जो वाहन चालक था वो गाड़ी को छोड़ के भाग गया। कुछ फायरिंग भी स्पॉट पे हुई थी। बाद में जब सुरक्षा बल गाड़ी के पास पहुंचे तो उनको उसमें काफ़ी सारा एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला। पूरी रात इंतज़ार करने के बाद आज सुबह सवेरे इस एक्सप्लोसिव मटेरियल को कंट्रोल तरीके में डिफ्यूज़ किया गया। लेकिन सुरक्षा बलों का साफ कहना है कि जहां एक तरफ ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इसको ये इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि 2019 में जो फरवरी में सुरक्षा बलों के ऊपर खासकर CRPF के ऊपर जो हमला हुआ था जिसमें करीब 40 से ज़्यादा CRPF के जवान मारे गए थे, उसी तर्ज पे ये हमला भी किया जाने वाला था। पुलिस का साफ कहना है कि 40 किलो से ज़्यादा जो IED इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं और कई सारे टॉप कमांडर्स मारे गए हैं मिलिटेंट ग्रुप्स में, वहीं दूसरी तरफ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सुरक्षा बलों के सामने है। और इस तरीके के जब तक हमले हो रहे हैं कश्मीर घाटी में, तब तक उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि उन्होंने इस पूरे विषय में जांच शुरू कर दी है और हो सकता है कि ये पूरा का पूरा मामला NIA को भी सौंपा जा सकता है। फिलहाल एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को इस पूरे के पूरे मामले में मिली है और उनका साफ कहना है कि हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स इस पूरे हमले को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। शुजाउल हक, आज तक। और अब बात करते हैं भारत और चीन सीमा पर बढ़ रहे तनाव की। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारतीय सीमा क्षेत्र में चीन ने 5,000 से अधिक सैनिक तैनात किए हैं। चीनी सेना के दखल के बाद भारत भी अपने सैनिकों की मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। हालांकि दोनों ही देश कह रहे हैं कि तनाव को बातचीत से खत्म कर दिया जाएगा। ये पहली बार नहीं है कि जब सीमा पर चीन के साथ तनाव है। इस बार क्या अलग है और क्या है ताजा हालात, यही बता रहे हैं लद्दाख पहुंचे आज तक संवाददाता अशरफ वानी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने खड़े हैं। मामला अप्रैल के आखिरी हफ्ते में तब शुरू हुआ जब चीनी सेना बिना किसी उकसावे के भारतीय इलाके में घुस आई। सूत्रों के अनुसार चीनी सेना की तादाद 5,000 से भी ज्यादा है और वो गलवान वैली, जो कि गलवान दरिया के पास है, वहां पर डेरा जमाए हुए हैं और लगातार चीनी सेना की गतिविधियां जारी हैं। भारतीय सेना ने 5 मई को चीनी सेना को सीमा पर ही इस जगह को
छोड़ने के लिए कहा, लेकिन चीनी सेना फिलहाल इनकार की स्थिति में है। भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सालों से विवाद सुलझाने का एक आसान तरीका है, जहां पर बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर दोनों सेनाओं के कमांडर मिलते हैं और अपने आपसी मतभेदों को सुलझाते हैं। लेकिन अब की बार कई दिनों से चीनी सेना को फ्लैग मीटिंग के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो फिलहाल भारतीय सेना की तरफ से इस बात को टाल रहे हैं। यही कारण है कि अब पिछले कुछ दिनों के दौरान भारतीय सेना ने भी चीनी सेना के सामने अपनी फौज इकट्ठी करनी शुरू कर दी है और उससे भी ज्यादा तादाद भारतीय फौज की अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंच गई है। हालात तनावपूर्ण हैं, दोनों देशों के ओर से सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन उस बीच दूसरी तरफ प्रयास ये भी हो रहे हैं कि इस मामले को बिना किसी लड़ाई के जो है निपटाया जाए और यहाँ से जो है चीनी सेना वापस अपने इलाके में चली जाए, जिस तरह पहले भी हुआ था। चीन और भारत के बीच में लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कोई नई बात नहीं है। दरअसल इस पूरे क्षेत्र में जो सीमा है वो अपने अपने नज़रे से चलती है, ना ही इस पर कोई निशान है और ना ही कोई मार्किंग। ये सालों से ये जो है ये विवाद भारत और चीन के बीच बना हुआ है। चीन कुछ ऐसे इलाकों को अपना इलाका मान रहा है जो भारतीय सीमा में आते हैं और भारत कई इलाके जो है वो अपने मान के चल रहा है जो चीनी इलाके में आ रहे हैं। जाहिर है कि तनाव जो है वो बना हुआ है, लेकिन अब की बार इस तनाव में क्या फ़र्क है? एक ये कि सर्दियों में इस पूरे इलाके में, क्योंकि काफ़ी ठंडा रहता है, कोई सेना की तैनाती नहीं रहती थी। गर्मी के महीनों में दोनों देशों के पेट्रोलिंग टीम्स जो हैं वो इस इलाके में गश्त करते थे, उनको कभी आमना सामना होता था लेकिन मामला निपट जाता था। लेकिन अब की बार चीनी सेना तैयारी के साथ इस इलाके में आई है और यहाँ पर काफ़ी समय तक रहने के लिए आई है। यही कहीं ना कहीं भारतीय सेना को अटक रहा है और खटक रहा है। शुक्रिया अशरफ वानी। तो चीन सीमा क्षेत्र में कई सालों से निर्माण कार्य कर रहा है। भारत ने बीते कुछ सालों में वहां अपनी गतिविधियां तेज की हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद कहते हैं, पिछले 5-6-7 साल से हम देख रहे हैं कि बॉर्डर में एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। चाइना यही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है 25-30 साल से। तकरीबन 4000 किलोमीटर के उसने हाईवे बना रखी है। कितने ही उसके हेलीपैड्स हैं, लॉजिस्टिक डंप्स हैं, इंटरनल रोड्स हैं, कनेक्टिंग रोड्स हैं, रेल एंड ट्रैक्स बन रहे हैं तिब्बत से, नेपाल के अंदर भी उसका रेल ट्रैक बन रहा है। तो उसका कम्युनिकेशन इतना बढ़िया हो गया, हमारा काफ़ी कमज़ोर रहा, लेकिन पिछले 6-7 साल में हमने भी कुछ इसमें तरक्की की है। वहीं जब भी दो देशों के बीच सैन्य तनाव होता है, लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर ये देश युद्ध क्षेत्र में आमने सामने आ गए तो क्या होगा। वैसे तो देश अपनी सैन्य क्षमताओं को टॉप सीक्रेट रखते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर मौजूद जानकारी के आधार पर हम मोटी मोटी तुलना कर सकते हैं। सैन्य ताकत में भारत चीन के सामने कहाँ है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी ऋचिक मिश्रा। भारत और चीन के बीच करीब 3488 किलोमीटर की सीमा है। इसमें इससे सटे हुए इलाके जो हैं वो हैं पीओके, लद्दाख, तिब्बत और लगभग सभी उत्तर पूर्वी राज्य। भारत के पास थल सेना में करीब 14.44 लाख एक्टिव जवान हैं और 21 लाख रिजर्व में हैं। चीन के पास करीब 42 लाख एक्टिव जवान हैं और 5 लाख के रिजर्व हैं। भारत के पास 4292 लड़ाकू टैंक हैं, 8686 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन हैं, स्वचालित आर्टिलरी 235, फील्ड आर्टिलरी 4060, रॉकेट लॉन्चर 266, जबकि चीन के पास 3500 लड़ाकू टैंक हैं, 33000 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 3800 स्वचालित आर्टिलरी और 2650 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। अगर हवाई ताकत की बात करें तो भारत के पास कुल 2123 एयरक्राफ्ट है, जिनमें से 538 लड़ाकू विमान हैं, 250 परिवहन विमान हैं, 722 हेलीकॉप्टर है जिसमें से 23 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं चीन के पास 3210 एयरक्राफ्ट हैं, इनमें से 1232 लड़ाकू विमान हैं, 371 सिर्फ अटैक के लिए हैं। इसके अलावा 911 हेलीकॉप्टर्स हैं उनके पास और 281 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं। नौसेना की बात करें तो भारत के पास 285 फ्लीट हैं, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, 16 पनडुब्बियाँ, 10 डिस्ट्रॉयर, 13 फ्रिगेट
19 कॉर्बेट्स, 139 कोस्टल पेट्रोल और 3 माइन वेलफेयर, जबकि चीन के पास 777 फ्लीट हैं, 2 एयरक्राफ्ट करियर, 74 पनडुब्बियाँ, 36 डिस्ट्रॉयर, 52 फ्रिगेट्स, 50 कॉर्बेट्स, 220 कोस्टल पेट्रोल और 29 माइन वॉरफेयर। दिक्कत ये है कि म्यांमार और पाकिस्तान, ये दोनों देश चीन का साथ देंगे। भारत और चीन का रक्षा बजट भी ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो चीन का रक्षा बजट साल 2020 में 189 अरब यूएस डॉलर था, जबकि भारत का रक्षा बजट केवल 70 अरब यूएस डॉलर था। लेकिन कंडीशन ऐसी है कि अब 1962 वाली स्थिति नहीं है। भारत के पास अब INS विक्रमादित्य है, जो बेहद खतरनाक है। 1000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मनों को वो मार कर गिरा सकता है। शुक्रिया रिचीक। बढ़ते हैं आगे। बीते कई दिनों से भारत में पाकिस्तान की तरफ से आए टिड्डी दल सुर्खियों में है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में नुकसान पहुंचाने के बाद अब ये दल फिर से राजस्थान में सक्रिय है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ भी आ सकते हैं। अभी इन दलों की क्या स्थिति है और आगे ये कहां जाएंगे, यही समझने के लिए मैंने बात की टिड्डी चेतावनी कार्यक्रम के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर KL गुज्जर से। अभी टिड्डी दल राजस्थान में और मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में करीब 7-8 दल हैं एक्टिव और मध्य प्रदेश में 1-2 दल हैं। और यहाँ पर जो कंट्रोल, जहाँ पर भी ये शटल होते हैं शाम के समय, रात के समय, तो वहाँ पर इनका अर्ली मॉर्निंग और रात को कंट्रोल किया जाता है। और अभी इनका जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट था। अभी आज जो हवा की दिशा चेंज हुई है उससे इनका मूवमेंट भी थोड़ा चेंज होगा। डायरेक्शन के हिसाब से, ये विंड की डायरेक्शन के हिसाब से मूव करते हैं। और इसके अलावा जो रूट था वो राजस्थान से MP की तरफ था। अभी आज देखते हैं इनका रूट, जो बचे हुए राजस्थान के स्वाम है वो इधर MP साइड में मूव करते हैं या यहीं पर रुकते हैं राजस्थान में, वो डिपेंड करता है। शाम के समय इनका एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगेगा। गुज्जर जी, क्या पहले से कुछ तादाद कम हुई है? बिल्कुल कम हुई है और डे बाय डे कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोल होता है उसका जो बचा हुआ स्वार्म है वो आगे जाता है और उससे जो 50% तक कंट्रोल हो जाता है, बचा हुआ आगे जाता है, वो 50% से और भी कम हो जाता है। इस तरह से वो रिड्यूस, डे बाय डे रिड्यूस हो रहा है। जी, कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ये दिल्ली की तरफ भी आ सकता है। हाँ, कल था लेकिन पॉसिबिलिटी, लेकिन अभी ये हवा के रुख को देखते हुए, क्योंकि अभी वापस नॉर्थ की साइड में हवाएं हो गई हैं, पहले वेस्ट से ईस्ट की तरफ थी, अभी टुवर्ड्स नॉर्थ हवाएं हैं, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी कम है कि दिल्ली में स्वार्म आएगा। जी, पाकिस्तान से टिड्डी दल का क्या कनेक्शन है? पाकिस्तान से के रास्ते ही ये टिड्डी दल इंडिया में एंटर करते हैं और इनका जो पीछे जो ईरान और बलूचिस्तान का ये जो स्प्रिंग ब्रीडिंग एरियाज हैं, वहाँ पर जो ब्रीडिंग होती है इनकी, और वो माइग्रेट करते हैं अभी समर ब्रीडिंग एरियाज की तरफ, जो इंडिया भारत पाकिस्तान के जो शटल डेजर्ट एरियाज हैं बॉर्डर के आसपास, वहाँ पर ये इसके लिए माइग्रेशन होता है। लेकिन इस बार जो इनका माइग्रेशन समय से पहले ही हो गया है, लगभग 1 महीने पहले, तो वो इस कारण से ये जो पश्चिमी हवाएं हैं उनके साथ उड़ करके वहाँ पे जो इनकी दलों की संख्या ज्यादा थी, तो उस वहां से ये ईरान से बलूचिस्तान से शिफ्ट होकर के इंडिया में एंटर कर गए और हवाओं के साथ दूर तक पहुंच गए। जी, वही आमतौर पर गर्मी में लोकस्ट नहीं आते, लेकिन इस बार भीषण गर्मी के दौरान हमला हुआ है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, भीषण गर्मी अभी इस समय, एक तो फसलें नहीं है तो ये अच्छी बात है कि कम से कम स्टैंडिंग क्रॉप नहीं है तो फसलों पर अटैक इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। और जो ट्रीज और दूसरी वेजिटेशन है उसी के ऊपर शटल होते हैं और वहां पर ही उनका कुछ नुकसान हो रहा है, तो ये इस समय जो है क्रॉप्स का इतना ज्यादा नुकसान नहीं है। फिर भी कुछ क्रॉप्स हैं जो जायज क्रॉप्स हैं या वेजिटेबल हैं, जहां पर ये कुछ लॉस रिपोर्ट हो रहा है। कुछ कॉटन क्रॉप है बॉर्डरिंग एरियाज में पाकिस्तान, श्रीगंगानगर साइड में, तो वहां पर इसका लॉस कुछ परसेंटेज 5-10% लॉस रिपोर्ट किया गया। शुक्रिया डॉक्टर गुज्जर। यूं तो टिड्डियां छोटे छोटे कीट होते हैं, लेकिन जब ये बड़े समूह में हमला करते हैं तो फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार तो इन्होंने भुखमरी जैसे संकट पैदा किए हैं।
भारत में ये टिड्डी दल पाकिस्तान की तरफ से आते हैं और भारत पहुंचने से पहले पाकिस्तान में बड़ी तबाही मचाते हैं। इन टिड्डियों से कैसे परेशान है पाकिस्तान, बता रहे हैं नितिन ठाकुर। पाकिस्तान आजकल बेहद परेशान है। उसकी परेशानी का सबब है टिड्डी दल। पाकिस्तानी सरकार महीनों से टिड्डियों का मुकाबला करने की तैयारी में जुटी थी, मगर जब मौका आया तब हर साल की तरह मामला ढाक के तीन पात निकला। फसलों की बर्बादी का आलम यह है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार ने माना कि उनकी 50% फसल टिड्डियों की भेंट चढ़ने वाली है। अब एक रिपोर्ट ने भी किसानों के माथे की लकीरें गहरा दी हैं। ये रिपोर्ट अमेरिकी एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई है। इसमें भारत और पाकिस्तान को आगाह किया गया कि मानसून के बाद टिड्डियों के हमले और बढ़ेंगे। खतरा यह भी है कि पाकिस्तान के 38% हिस्से में इन टिड्डियों की तादाद दोगुनी हो जाएगी। यदि ऐसा रहा तो मुमकिन है कि देश खाने की कमी से भी जूझेगा। पाकिस्तानी पंजाब में टिड्डियों ने कपास, आम, गन्ना, जानवरों का चारा सब चट कर दिया। किसान यहां टिन और डिब्बे बजाकर टिड्डियां भगा रहे हैं। इस सूबे का राजनपुर जिला टिड्डियों से खासा परेशान है, मगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अली प्रशासन की कोशिशों का हवाला दे रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 महीने में 90 से ज्यादा छोटे बड़े ऑपरेशन जिला राजनपुर के मुख्तलिफ एरियाज में हमने किए हैं कि जो टड्डी दिल के गौल कहीं पे बलोचिस्तान की तरफ से, कोई सलमान की तरफ से आए और वो जहाँ जहाँ सेटल हुए उन्होंने हैचिंग की, उनको हमने खत्म किया। उधर बलूचिस्तान भी सिंध और पंजाब की तरह टिड्डियों का शिकार बना हुआ है। प्रशासन दवाई बरसाने के लिए हेलीकॉप्टर मांग रहा है। इस बीच पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इमरान सरकार पर हमले का मौका मिल गया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसान इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि ये पाकिस्तान में बद इंतजामी का सबसे बुरा दौर है। पाकिस्तान बदतरीन इंतजामी पैरालिसिस का शिकार है। हमारा इंतजामी ढांचा मफलूज हो गया है नैब के हाथों। अफसरों को बुला बुला के जिस तरह डराया गया है, अफसरों को बुला बुला के जिस तरह धमकाया गया है, पाकिस्तान के हर अफसर ने फैसला कर लिया है कि वो किसी फाइल के ऊपर दस्तखत नहीं करेगा। मौका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी नहीं छोड़ा। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उनके बार बार चेताने के बावजूद सरकार ने टिड्डियों को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए, लिहाजा मुल्क के किसान अब परेशान हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार के प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने वक्त रहते पर्याप्त मात्रा में प्लेन्स किराए पर नहीं लिए, जिससे दवाई का छिड़काव नहीं हुआ और अब हालात बिगड़ गए। उधर किसान इमरान सरकार का मुंह ताक रहे हैं, क्योंकि कम से कम उनके हाथ से तो बात अब निकल चुकी। टिड्डियों से अकेले पाकिस्तान ही परेशान नहीं है, बल्कि मसला ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक फैला है। पिछले दिनों भारत ने टिड्डियों को काबू करने के लिए पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई थी, हालांकि अभी इस दिशा में किसी ठोस योजना का बनना बाकी है। नितिन ठाकुर, आज तक रेडियो। वीर सावरकर की आज 137वीं जयंती है। कर्नाटक में एक पुल का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखने पर विवाद हो गया है। कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कहा है। क्या है पूरा मामला, बता रही है हमारी सहयोगी गरिमा। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के नाम पर यह लंका में एक फ्लाईओवर का नाम रखे जाने को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। राज्य के विपक्षी दल कांग्रेस और जेडीएस इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने कहा कि फ्लाईओवर का नाम वीर सावरकर के नाम पर करना कर्नाटक का अपमान है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि वो अपने इस फैसले को बदल दें और फ्लाईओवर का नाम कर्नाटक के स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर करें। सावरकर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद इंदिरा गांधी, नेहरू और वल्लभभाई पटेल और एनी अदर फ्रीडम फाइटर। सो मेनी पीपल इन अवर स्टेट हु फॉट फॉर दी, हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, हु अचीव्ड एंड सर्व्ड द स्टेट। सच पीपल्स नेम कैन बी नेम्ड। जेडीएस के नेता कुमार स्वामी ने भी सरकार के इस फैसले को बदलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले और बाद में कई ऐसे लोग हुए हैं जिनके नाम पर इस फ्लाईओवर का नाम रखा जा सकता है। बीजेपी ने साफ शब्दों में कहा कि फ्लाईओवर का नाम वीर सावरकर के नाम पर ही रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धरमैया सरकार ने जब सब्सिडाइज कैंटीन्स का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा था, तब क्या हमने इसका विरोध किया था?
आपको बता दें 400 मीटर के इस फ्लाईओवर का आज वीर सावरकर के जन्मदिन के मौके पर उद्घाटन किया जाना था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इसे अब पोस्टपोन कर दिया गया है। जानकारी दे रही थी गरिमा। उधर चीन की संसद ने हांगकांग के विवादित सुरक्षा कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून को मंजूरी मिलने के साथ ही हांगकांग से सेमी ऑटोनॉमस क्षेत्र होने का दर्जा छिन सकता है। बीते गुरुवार को चीन की संसद में इस कानून का मसौदा पारित हुआ था और अब तमाम विरोध प्रदर्शन और दुनिया भर से हो रही आलोचना के बावजूद चीन ने अपनी मनमानी कर दिखाई है। इस कानून पर क्या है विवाद और क्यों हो रहा है विरोध, बता रही हैं हमारी सहयोगी आशिता सेठ। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में आलोचना झेल रहे चीन ने सबका ध्यान भटकाने के लिए हांगकांग पर गाज गिराई है और इस नई मुसीबत का नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे अब चीन की संसद में पास कर दिया गया है। पास होने का मतलब ये है कि एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र के तौर पर हांगकांग के अधिकारों का हनन और चीन को कई तरह का फायदा। पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी हांगकांग हमेशा से अपने क्षेत्र में चीन के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता आया है। फिर चाहे चीन की तरफ से लाए गए प्रत्यर्पण बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरना हो या हांगकांग के किसी भी मामले में दखल अंदाजी करना हो, हांगकांग वासियों ने हमेशा से चीन का विरोध किया है। लेकिन अब नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बाद हांगकांग के लोगों को ये डर सताने लगा है कि बीजिंग में नेतृत्व पर सवाल उठाने, प्रदर्शन में शामिल होने और स्थानीय कानून के तहत अपने मौजूदा अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए हांगकांग निवासियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो आखिर क्या है चीन का नया सुरक्षा कानून? आपको बता दें कि इस कानून के तहत हांगकांग में देशद्रोह, आतंकवाद, विदेशी दखल और विरोध करने जैसी गतिविधियां रोकने का प्रावधान होगा। इसके तहत चीनी सुरक्षा एजेंसियां हांगकांग में काम कर सकेंगी जो अभी तक नहीं कर पाती थीं। इसका नतीजा ये हुआ है कि अब हांगकांग में प्रदर्शनों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के बावजूद बीते रविवार को हांगकांग में इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए। बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किए जाने की भी खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस कानून के बाद चीन राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हांगकांग में वो कर पाएगा जो उसकी नीतियों और हितों के पक्ष में हो। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने इस नए सुरक्षा कानून की निंदा करते हुए इसे हांगकांग वासियों की आजादी पर हमला बताया है। वहीं अपने फैसले को सही ठहराते हुए चीन ने कहा कि यह कानून बढ़ती हिंसा और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है और हांगकांग वासियों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसी बीच चीन के इस कदम पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाखुशी तो जताई ही, साथ ही जल्द कड़ा कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अमेरिकी कांग्रेस को इस बात की जानकारी दी कि ट्रंप प्रशासन अब हांगकांग को चीनी भूभाग का स्वायत्त क्षेत्र नहीं मानता, जिससे अमेरिका द्वारा हांगकांग को दिए व्यापार और वित्तीय दर्जे की प्राथमिकता को वापस लेने की संभावना पैदा हो गई है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के एक सांसद ने तिब्बत और हांगकांग को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने के लिए अमेरिकी संसद में एक बिल भी पेश कर दिया है। हांगकांग में इस साल सितंबर में चुनाव होने हैं। पिछले साल जैसे लोकतंत्र समर्थकों को कामयाबी मिली थी, अगर वैसी ही जिला चुनाव में भी कामयाबी मिली तो फिर चीनी सरकार को बिल लाने में परेशानी हो सकती है। वजहें कई हैं, लेकिन असल मकसद क्या है वो चीन को ही पता है। आशिता सेठ, आज तक रेडियो। और अब बात अमेरिका की। राष्ट्रपति ट्रंप के एक ट्वीट को फेक न्यूज बताने के बाद ट्रंप और ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी के बीच ठन गई है। कहा जा रहा है कि ट्रंप अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कर रहे हैं। लोकतंत्र में सोशल मीडिया की बेहद अहम भूमिका है। ऐसे में सवाल उठा है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ताकतवर नेताओं के सामने सीधे खड़े रह पाएंगे। मैंने यही पूछा साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल से। मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में ताकतवर नेता कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं इन सोशल मीडिया कंपनीज को गैप करने की, लेकिन ये कोशिश बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना ज्यादा हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है कि अगर वहां पर किसी प्रकार के ऐसे अंकुश लगाए जाएंगे तो हो सकता है उससे आक्रोश पैदा हो सके। साथ ही साथ बहुत सारे कानूनी चुनौतियां या चैलेंजेस भी सामने जरूर आएंगे।
तो इंतजार करना पड़ेगा आप किस तरह के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएंगे और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पवन जी, यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या नेता सोशल मीडिया कंपनियों को अपने हिसाब से चला सकते हैं, खासकर चुनाव में इन नेटवर्क्स की भूमिका को देखते हुए। सोशल मीडिया कंपनीज की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, न केवल साधारण समय में बल्कि चुनाव के समय में भी। नेताओं की हमेशा कोशिश होगी कि इन सोशल मीडिया कंपनीज को अपने नियंत्रण अपने कंट्रोल में रखा जा सके ताकि इनका इस्तेमाल कर वो अपने पॉलिटिकल चुनाव या पॉलिटिकल मुद्दों पर जीत हासिल कर सके। लेकिन यहाँ एक और ये कोशिश बरकरार रहेगी, वहां दूसरी ओर लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा इस कोशिश का, जो वर्तमान जो आईटी लॉज हैं विभिन्न राष्ट्रों में और जो विभिन्न राष्ट्र के जो संविधान हैं कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में खासतौर पर कोविड-19 के दरमियान और उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी कानूनी चुनौतियां उत्पन्न होने वाली हैं जो अदालतें डिसाइड करेंगी कि क्या ये इस तरह की जो एफर्ट्स जो नेता कर रहे हैं वो तारसंगत हैं कानूनी प्रावधानों के साथ या नहीं, और अगर नहीं है तो उनको क्या सर्टिफाइड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। पवन जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फैक्ट के बीच की जो डिबेट है उसमें नए आईटी कानून क्या भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है आज अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब आवश्यकता है कि भारत का जो कानून है वो काफी पुराना है और वो आज की वर्तमान सोशल मीडिया रियलिटीज के साथ तारसंगत नहीं है, तो उसको हमें संशोधन करने की आवश्यकता है और इन सोशल मीडिया कंपनीज को ज्यादा जिम्मेवार बनाने की भी आवश्यकता है। भारतवंश में अधिकांश सोशल मीडिया कंपनीज केवल एक स्पेक्टेटर का एक रूप धारण करती हैं। मुझे लगता है उन्हें भी अब जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि उनके नेटवर्क पर कोई भी ऐसी जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न हो जो कानून का उल्लंघन करता है, और कहीं ना कहीं सामंजस्य भी सरकार को स्थापित करना पड़ेगा जहाँ एक ओर लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न हो वहां दूसरी ओर इस तरह की सोशल मीडिया कंपनीज अपनी मनमानी करके एक किसी प्रकार से आंखें बंद न कर लें बढ़ते हुए साइबर क्राइम और विभिन्न प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों पर जो इनके प्लेटफॉर्म्स पर हो रहे हैं। शुक्रिया पवन दुग्गल। और अब बात बाजार की। आज बाजार का हाल कैसा रहा बता रहे हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकरधर। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का सत्र एक शानदार सत्र रहा। बाजार में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही इंडेक्स 1.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 595 अंकों की बढ़त के साथ 32,200 के स्तर पर और निफ्टी 175 अंकों की बढ़त के साथ 9,490 के स्तर पर बंद हुआ। 9,400 का स्तर ही एक वो स्तर है जिसको तमाम बाजार के विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर निफ्टी इसके ऊपर टिकता है रुकता है तो बाजार में और आगे बढ़त देखने को मिल सकती है और इसके बाद 9,800 तक के जो स्तर हैं बाजार में देखने को मिल सकते हैं। आज के सत्र में सारे ही जितने भी सेक्टोरियल इंडेक्स हैं सभी बढ़त के साथ बंद हुए। इसका मतलब ये कि आज बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी 1% से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए दोनों ही इंडेक्स, यानी कि छोटे मझोले शेयरों में भी खरीदारी थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी इसी ओर इशारा करता है कि आज बाजार में मोटे तौर पर चौतरफा खरीदारी थी। 1116 शेयर ऐसे थे जिनमें बढ़त थी जबकि 435 शेयर ऐसे थे जो गिरावट के साथ बंद हुए। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आज बाजार में था खबरों की वजह से। भारत फोर्ज में 6% की से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। इसके बाद TVS मोटर का तिमाही नतीजों के बाद वहाँ पे 2% की तेजी देखने को मिली। EID पैरी एक शेयर है जिसमें 12% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। ये खबरें थी कि कंपनी अपना स्टेक 2% स्टेक कोरोमंडल इंटरनेशनल को बेच रही है। आईशर मोटर के शेयर में तेजी देखने को मिली। तो मोटे तौर पर आज बाजार में छोटे शेयरों मझोले शेयरों दिग्गज शेयरों सब जगह खरीदारी थी। सेंसेक्स में शुमार शेयरों की बात करें तो सबसे ज्यादा तेजी जो थी वो लार्सन टर्बो में 6% से ज्यादा की, हीरो मोटोकॉर्प में 5.5% से ज्यादा की, इंडसइंड बैंक करीब 5% बढ़कर बंद हुआ, HDFC बैंक करीब 4.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में शुमार 30 शेयरों में केवल 3 शेयर ऐसे थे जो गिरावट के साथ बंद हुए जिनमें भारतीय एयरटेल SBI और ITC था। इन तीनों ही शेयरों में भी जो गिरावट थी वो बहुत मामूली सी थी, 0.5% से कम ही ये शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि सेक्टोरियल बात करें तो आज लगभग सारे सेक्टर्स ही बढ़त के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा बढ़त जो देखने को मिली वो सीमेंट कंस्ट्रक्शन मेटल और माइनिंग इन शेयरों में देखने को मिली। शुक्रिया शुभम शंकरधर। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, JioSaavn,
जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। तो दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा radio@aajtak.com पर ईमेल करके जरूर बताएं। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।